वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल एडोविला पॉइंट। आज हम करेंगे हीरोन फार्मूला के क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, हमने हीरोन फार्मूला यानी हीरोन का सूत्र पढ़ा था। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें ट्राइंगल के साइड्स गिवन है इन द रेशियो, यानी अनुपात में हमें साइड्स दे रखे हैं। हमें इसका परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर। हमें इसका निकालना है एरिया यानी इसका क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसका परिमाप देखेंगे। हमें परिमाप कितना गिवन है, यानी पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर। हमें साइड्स भुजाएं कितनी गिवन है अनुपात में। अगर भुजाएं हमें अनुपात में गिवन हो तो हम कैसे लिखते हैं इसकी भुजाएं, 12x, 17x और 25x, ये हमारी भुजाएं हैं, ये हमारी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो परिमाप, हमारा परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप पेरीमीटर सारे भुजाओं यानी सारी साइड्स का हमारा जमाफल, यानी 12x जमा 17x जमा 25x। हमें कितना गिवन है परिमाप, 540 सेंटीमीटर। हम इसको इसके बराबर रखेंगे। जब हम इसको इसके बराबर रखेंगे तो हमारा यहां आएगा 54x। आइए अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो 54x हमारा है 540 के बराबर, तो हमारा x निकलेगा 540 बटे 54। तो हमारा x कितना आया, x हमारा आया 10। कितना है बच्चों, x हमारा 10। तो अब हम निकालते हैं इसकी भुजाएं। आइए देखते हैं इसकी भुजाएं कितनी होंगी। देखिए 12 इंटू एक्स, 12 गुना 10 यानी 120 सेंटीमीटर, 17 गुना 10 170 सेंटीमीटर, तीसरा है हमारा 25 यानी 25 गुना 10। हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको इसके संग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 25 गुना 10 250 हमारी भुजाएं आ गई। हमने परिमाप से अपनी भुजाएं निकाली, हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा था। किसमें दे रखी थी हमें भुजाएं, अनुपात में यानी रेशियो में। इसे हमने अपने निकाली भुजाएं यानी साइड्स। तो आइए निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमने उच्च फॉर्मूला पढ़ा था, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो आइए देखिए फॉर्मूला पढ़ते हैं आगे का। तो हमारा फॉर्मूला था क्षेत्रफल यानी एरिया। का फॉर्मूला था हमारे पास रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस होता है बच्चों हमारा सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, आइए इसको निकालते हैं। ए जमा बी जमा सी बटे दो। ए हमारा कितना था 120, बी हमारा था 170 जमा 250 बटे दो, ये आएगा सेंटीमीटर में। अर्ध परिमाप निकालते हैं, इसका अर्ध परिमाप आएगा 540 बटे दो सेंटीमीटर, यानी कितना आएगा हमारा इसका अर्थ परिमाप, 270 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे इसका एरिया यानी क्षेत्रफल। आइए निकालते हैं, 270 पहली साइड हमारी क्या थी 120, 270 माइनस 170
तीसरी साइड हमारी है 170 माइनस 250, आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों। 270 इंटू 270 माइनस 120 150 इंटू 270 माइनस 170 100 इंटू 270 माइनस 250 यानी 250, तो इसका आंसर आएगा 20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर आएगा, इसके हमारे फैक्टर्स बनेंगे 270 के 27 गुना 10, 15 के 15 गुना 10, 100 के 10 गुना 10 और 20 के 2 गुना 10। हमारा एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ये हमारा निकल आया क्षेत्र फल, यानी इस क्वेश्चन का एरिया। तो चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, द साइड्स ऑफ अ वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो हमें एक दीवार की भुजाएं दे रखी हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, जो किसके लिए यूज हो रही है, एक ऐड के लिए। अगर वो कंपनी हमसे ऐड के कितना कमा रही है, कितना मांगती है, 5000 प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर प्रति साल के, प्रति वर्ष के। तो हमें निकालना है कि कितने साल, 3 महीने के लिए वो हमसे कितना रेंट लेगी। जैसे हमारे पास ये गिवन है यहाँ पे ऐड के लिए, तो आइए हम इसका निकालते हैं पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से हम निकालेंगे इसका कितना हम किराया देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस यानी अर्ध परिमाप, जो होता है ए जमा बी जमा सी बटे दो। ये कितना गिवन है हमारे पास, 122 मीटर यानी 122 जमा बी कितना गिवन है हमारे पास, 22 मीटर जमा 120 बटे 2 सेंटीमीटर। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा आएगा इसमें 264 बटे 2 मीटर। तो इसको हम काटेंगे तो आएगा हमारा 132 मीटर। यह है हमारा अर्ध परिमाप। क्या है बच्चों, अर्ध परिमाप। आइए अब अर्ध परिमाप की मदद से हम क्षेत्रफल निकालते हैं अपना, यानी इसका एरिया। आइए हमारे पास ऐसा आ चुका है, हमारे पास ए है, बी है, सी है, हमारे पास तीनों भुजाएं हैं। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं, 132 माइनस 122 एस माइनस ए एस माइनस बी यानी 132 माइनस 22। तीसरी साइड हमें गिवन है 120, तो हम लिखेंगे 132 माइनस 120। तो आइए आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं। यह है हमारा 132, 132 माइनस 122 यानी 10, ये हमारा आएगा 110 और ये हमारा कितना आएगा 12। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम।